दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को आपको अंतिम तक पूरा देख लीजिए। आपको कहीं ना कहीं ये ज़िंदगी में ज़रूर काम आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि किस नेटवर्क मार्केटिंग का प्राइस सबसे कम है और अच्छा है, बेस्ट है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, वो डिसाइड आप खुद कर सकते हैं, कॉमेंट में उसका जवाब दे के जाइएगा। तो इस वीडियो से आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंतिम तक वॉच कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को बाद में लाइक करना भूल जाते हो। और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ जो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध साबित होता है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल के स्क्रीन पर चला जाता हूँ और आपको पूरा जानकारी दे देता हूँ कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करना चाहिए, किसका प्रोडक्ट सबसे सस्ता है। तो हर इंसान का अपना एक बजट होता है और आपके बजट के अनुसार कौन सा बेस्ट MLA कंपनी है, यानी कि कौन सा डायरेक्ट सेलिंग है जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना बजट जानिए कि आप इतने बजट के अनुसार आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिया ना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यार, अगर आप लाइफ में ज़िंदगी में कभी ना कभी डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि मेरे बजट के अनुसार मेरे यूजफुल प्रोडक्ट किस कंपनी के अंदर मिलता है, तो आप उस कंपनी के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको 4-5 MLA कंपनी का मैंने प्रोडक्ट कंपेयर किया है, सिर्फ प्राइस कंपेयर किया है, बाकी बात आप खुद से ही कंपेयर कर लीजिएगा जो बाकी बात क्वालिटी है क्या होता है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किसी भी कंपनी के अंदर आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि उसके अंदर आपको क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे और कितने दाम का प्रोडक्ट मिलेगा, जो इस वीडियो में आपको पूरा मैं आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 3-4 प्रोडक्ट पर्सनल जो यूज़ होता है, यानी कि जैसे कि सोप हो गया और ऑयल, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस टेक कंपनी से। ये इंडिया का नंबर वन कंपनी है, जैसे कि देख पा रहे हैं उस टेक का लोगो आप लोग देख पा रहे हैं उस टेक का। तो दोस्तों, उस टेक कंपनी का मैंने वेबसाइट ओपन कर लिया और चलिए मैं यहाँ पे पर्सनल केयर ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं चलिए आप लोगों को शॉप का बताऊँगा। सबसे पहले शॉप का ही बताऊँगा, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग है अच्छे अच्छे सारे का शॉप का कंपेरिजन करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ऐसे और शॉप, यहाँ पर आपको 40 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है। तो ये आपको वेस्टिंग में मिल रहा है, यानी कि जब कोई भी साबुन आप खरीदिएगा तो आपको 40 रुपये देना पड़ेगा। अब चलिए दूसरा कंपनी में जाते हैं, मोदी केयर में जाते हैं कि मोदी केयर में आपको कौन सा, मैंने पर्सनल केयर को ऑलरेडी पहले से ओपन कर रखा है यहाँ पे। तो दोस्तों, चलिए मैं मोदी केयर के पर्सनल कैटेगरी में आ गया हूँ। यहाँ पर जो पर्सनल चीज़ें यूज होता है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे शॉप नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे मोदी केयर के अंदर मुझे देखिए यहाँ पे साबुन यहाँ पे मुझे मिला 75 ग्राम का 140 रुपया, यानी कि आपको 75 ग्राम × 4, इसका मतलब है कि चार प्रोडक्ट को आपको 140 रुपया पड़ेगा। हाँ, तो ये आपको मिलेगा। ये शॉप है, आप लोग देख पा रहे हैं ये शॉप है, वो आपको चार प्रोडक्ट का आपको पड़ेगा 140 रुपया, यानी कि ये पॉकेट में ही आता है तो आपको 140 रुपया देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, और देखिए और शॉप है यहाँ पे है, ये रहा। तो यहाँ पे आपको 100 ग्राम का 2 प्रोडक्ट को आपको देना पड़ेगा 145 रुपया। करके आप लोग देख पा रहे हैं मैं मोदी करके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। तो चलिए मैं दूसरा MLA कंपनी में चला जाता हूँ, जो है RCM। ये भी इंडिया में अच्छा खासा है और RCM के मैं पर्सनल केयर यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। और फिलहाल यहाँ पर मुझे पर्सनल जी हाँ शॉप। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुझे शॉप, तो यहाँ पे बहुत सारे आप लोग देख पा रहे हैं RCM के अंदर बहुत सारे शॉप हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस आप लोग देख पा रहे हैं 10 रुपया तक है। आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि RCM के अंदर आपको 10 रुपया के अंदर भी इवन नीम का साबुन आपको मिलेगा। RCM के अंदर 10 रुपया से स्टार्टिंग है और किसका 22 रुपया है। हाँ, बहुत सारे 22 रुपया है और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 22 रुपया और ये 28 रुपये तक, यानी कि यहाँ के इसके अंदर आपको शॉप देखने को मिलेगा। 36 रुपये तक का आपको शॉप यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप लोग देख पा रहे हैं 28 रुपये डीमैक्स शॉप। तो दोस्तों, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग MLA कंपनी है, मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता किसी और MLA का होगा। चलिए मैं देख लेता हूँ, मैं खुद भी नहीं देखा हूँ किसका प्राइस है। मेरे आइडिया में मेरे मन में लगा कि चलिए मैं एक प्रोडक्ट कंपेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों, RCM का 10 रुपये से शुरुआत होता है। अब चलिए मैं IMC का करता हूँ, ये भी कंपनी ग्रोथ हो रही है, तो मैंने इसका शॉप ऑलरेडी खोल के रखा है। आप लोग देख पा रहे हैं
आईएमसी का शॉप आपको बहुत नज़र आ रहे हैं, तो चलिए मैं किसी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आईएमसी का आपको 50 रुपये से ऊपर ही पड़ेगा, जितना मुझे यहाँ पे 85 रुपये बता रहा है। लेकिन अगर आप, हाँ 85 रुपये, ये 45 या 50 रुपया, अगर आप ये ज़्यादा छूट देता है, अगर आप इसके एसोसिएट बनते हैं तो ये आपको डिस्काउंट में देगा, ये रिटेलर प्राइस यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों आरसीएम का आप 85 रुपये यहाँ पे लिखा रहा है। अब चलिए मैं चला जाता हूँ मी लाइफ स्टाइल। जी हाँ, यहाँ पे देख पा रहे हैं मी लाइफ स्टाइल के अंदर मैंने खोल लिया पर्सनल जो कह रखा है। अब इसका चलिए मैं किसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको 100 ग्राम का 50 रुपये देने पड़ेंगे। जी हाँ, मी लाइफ स्टाइल में, मी लाइफ स्टाइल मार्केटिंग, अगर आप इस एमएलए के अंदर ज्वाइनिंग होते हो तो जब भी आप शॉप खरीदिएगा तो आपको यहाँ पे 50 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों और कंपनी के में नहीं, बस 4 ही 5 कंपनी है। तो दोस्तों आपने लगा लिया कि आपको कितने, कौन सी कंपनी में कितने प्रोडक्ट आपको यानी कि मिला है। उस्टे में आपको 40 रुपये का मिला, मोदी में आपको 145 रुपये का, आरसीएम में 10 रुपये का, और आईएमसी में आपको मिला 50 से लेकर 85 रुपये के अंदर आपको देना पड़ेगा, और मी लाइफ स्टाइल मार्केटिंग में आपको पड़ेगा 50 रुपये एक साबुन का। तो दोस्तों ये रहा साबुन का। चलिए मैं आप लोगों को ऑयल के बताता हूँ, यानी कि जब आप ऑयल लेंगे तो आपको कितना रुपये देना पड़ सकता है। तो दोस्तों आ गया हूँ मैं उस ट्रैक के अंदर। अब चलिए मैं इसका हेयर ऑयल का मैं पर्सनल केयर ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हेयर ऑयल का आपको 200 ml का आपको 195 रुपये देना पड़ेगा। याद रखिए आपको जब भी आप हेयर ऑयल खरीदिएगा तो आपको यहाँ पे 200 रुपया देना पड़ेगा, यानी 195 रुपया आपको उस ट्रैक के अंदर देखने को मिलेगा। अब चलिए मोदी केयर के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम ऑयल के अंदर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पर ऑयल का कितना मिल रहा है, यानी कि तेल का आपको कितना देना पड़ सकता है। ये हर कोई यूज करता है इसलिए मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो दोस्तों मोदी केयर के अंदर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको 195 रुपये देना पड़ सकता है बेबी एसपी, यानी कि ये बच्चों के लिए हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे 221 रुपया, यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका ऑयल का ही बहुत अधिक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट हैं, मैं तो खुद यूज नहीं किया हूँ, सिर्फ यहाँ पर जो इमेज दिखाया जा रहा है इसी के ज़रिए से मैं आप लोगों को कंपेयर करके आप लोगों को बता रहा हूँ। किसी किसी कंपनी का यूज़ किया हूँ लेकिन मैं मोदी केयर का यूज़ नहीं किया हूँ। तो ये शैम्पू है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग कुछ कुछ देख पा रहे हैं, यहाँ पे हेयर ऑयल आपको 103 रुपया, यानी कि आपको 100 ml का आपको 103 रुपये देना पड़ सकता है। ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरा ml कंपनी के अंदर चला जाता हूँ और अब बारी है आरसीएम का। तो दोस्तों आरसीएम के अंदर आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको 80 रुपया का एक में देखने को मिल रहा है, 150 ml का आपको 80 रुपये पड़ेगा, वहाँ पे 200 का तो बहुत अधिक पड़ा था, यहाँ पे 55 रुपये का। ये दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं हर्बल ईयर ऑयल आपको 150 ml का 55 रुपये का आरसीएम के अंदर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर तो 350 रुपये का यहाँ पर है 150 ml का सिनोल सरसों हेयर ऑयल, यानी कि 50 रुपये अंदर में आपको 150 मिल जाएगा 150 ml का। अब चलिए बात करते हैं आईएमसी का। आईएमसी का मैंने साबुन को ओपन कर रखा है, तो चलिए मैं हेयर ऑयल की बात करता हूँ। यहाँ पे पर्सनल केयर, तो दोस्तों मैंने हेयर ऑयल को ओपन कर लिया है। यहाँ पे आपको 100 ml का पड़ेगा 325 रुपया, दोस्तों एक पीस का, आप लोग समझ रहे हैं सभी एक ही पीस होता है हेयर ऑयल। तो दोस्तों यहाँ पे 325 रुपये आपको सिर्फ 100 ml का, और आरसीएम में देखिए वहाँ पे आपको 150 ml में पड़ रहा था सिर्फ 50 रुपये का मिल रहा था यही तेल। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे मी लाइफ स्टाइल मार्केटिंग का। यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है ऑयल को, यहाँ पे आपको 150 रुपये पड़ेगा 200 ml का। तो दोस्तों इससे आपको पता चल जाएगा, इसी से आपको अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग में सस्ते प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, और बिजनेस वॉल्यूम जो होता है सभी लगभग आधा ही मिलता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका आधा ही आपको मिलता है बिजनेस वॉल्यूम। ये क्या होता है, जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तो आपके जो अपलाइन है वो आपको खुद ही बता देंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट जरूर कर देना, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको तेल हो गया और साबुन, यानी कि सोप और ऑयल दोनों का कंपेयर करके दिखाया है।
आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपको किस MLA कंपनी के अंदर किस डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग आप जब करेंगे तो आपको किसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि बेस्ट प्राइस में आपको मिलेगा, यानी कि आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लिए हैं, आप समझ लिए हैं, तो आप ज़िंदगी में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में जाइएगा तो आप धोखा मत खाइएगा, क्योंकि आपको अधिक पैसा, अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन होकर अधिक पैसा देकर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको बाद में बहुत पछताना पड़ता है, वहाँ से आपका इनकम भी नहीं होता है। तो अगर आप जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसी सेम साइज में कोई कंपनी अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसी के अंदर आपको चला जाइए, इसमें आपको कुछ पछताना नहीं पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग भाग जाए या कुछ भी हो जाए, इसमें आपको प्रोडक्ट दे रहा है तो आप उसे पैसे दे रहे हैं। लेकिन किसी मैंने यहाँ पर देखा कि डबल से डबल यार किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का मान लीजिए 50 रुपया है तो किसी का यहाँ पे 300 रुपया लिया जा रहा है, 200 रुपया लिया जा रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग यूँ समझ लीजिए, कोई कोई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत चुतिया बनाता है, कोई कोई नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत सारे लोग यहाँ पे करोड़पति भी बन गए हैं और यानी कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग आपको बेस्ट लगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ यार, और बहुत सारे लोग कमेंट को भी देखकर सीख मिलता है। तो अगर आपको कौन सा बेस्ट MLA कंपनी लगा, कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको जाना चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट जरूर करके जाइएगा।